हाँ जी, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? तो आज अपना वीडियो रहेगा जी इन्फॉर्मेशन के ऊपर, बेसिक नहीं रहेगा इस बार, क्योंकि मैंने पहले एक बार स्क्वाड का किया था, बेसिक इन्फॉर्मेशन किया था, लेकिन इस बार पूरा इन्फॉर्मेशन देंगे हम बाहर का भी और अंदर का भी। तो सबसे पहले हम चलते हैं बाहर और बाहर का आपको दिखाते हैं ये सब जो भी अपना बाहर रहेगा। हाँ जी यार, सबसे पहले हम आगे से स्टार्ट कर लेते हैं, जो कि अपना एज का गाड़ी है SX150। तो जो कि मैं पहले लाइव में बता ही चुका हूँ, तो इधर टूल बॉक्स है रखने के लिए, टूल्स में रखा है, डीसेकल रखे हुए हैं, और यहाँ बेल्ट बुल्ट इन्होंने रीकर लोगों ने बखा के रखा हुआ है। टूल बॉक्स हो गया फ्रंट में, और बाकी तो ठीक है। बाकी ये दो टायर है आगे पीछे, फ्रंट रियर में एक टायर है बड़ा वाला, और फ्रंट में दो टायर इधर है, दो उधर है। और इसका प्रेशर आपको सबको पता है, जो लोग को नहीं पता बता देता हूँ, 110 रखने का फ्रंट में, 120 भी रख सकते हैं, 100 भी रख सकते हैं, लेकिन 100 का जरूरत नहीं, 110 ही सही रहेगा, ठीक है जी। उसके बाद अपना आता है डीजल टैंक, इसमें 120 लीटर का है, टोटली 120 का है। और यहाँ पे मेंशन इन्होंने किया हुआ है चेसी नंबर, जो भी पिन होता है, मॉडल लिखा हुआ है, और जो भी इसका 2018 मॉडल है ये, सितंबर महीने भी, तो 3 साल हो जाएंगे कंप्लीट। तो ये अपना इंजन है, और आगे पीछे काउंटरवेट ही है पूरा लगभग, ये भी काउंटरवेट ही है, ठीक है, और पीछे भी काउंटरवेट है, ये रियर टायर है, और इसमें यहाँ लिखा हुआ है आप देख सकते हो, फ्रंट में 100 110, वही बोल रहा हूँ आपको जो मैं, ठीक है। और यहाँ रियर में 35 लगा है, लेकिन यहाँ 40-45 भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैकेट का टायर है इसमें लगाया हुआ है, ये थोड़ा बेंड किया हुआ है, किसी ने मेरे को नहीं पता किसने किया, लेकिन पहले ही था, मैं तो जस्ट वीडियो कर रहा हूँ ओनली, ओके। एज लिखा हुआ पीछे, लोगो है, कैमरा है नीचे पीछे, ये बेंड किया हुआ है, और स्पीड लिमिट 20 लिखा हुआ है यहाँ पे। पेट्रोलिक टैंक है 110 लीटर का, और डीजल टैंक 120 लीटर का ही है, ठीक है जी। और अभी आगे कैबिन है, और चलते हैं अभी कैबिन के अंदर, तो फिर आपको अंदर का दिखाता हूँ। हाँ जी यार, फाइनली अभी गाड़ी के अंदर आ गए, और अभी ये अभी स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अपना ये है मेन इग्निशन स्विच, अभी एसी कर दिया मैंने, ऑन नहीं करेंगे यहाँ से, ऑन भी नहीं होगा। और यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, रहा स्टार्ट, इसका बटन यहाँ पे किया हुआ है, अभी बंद कर दिया मैंने, ओके जी। और यहाँ पे डिस्प्ले दिया रिवर्स वाला, ये आप देख सकते हो, ठीक है, लॉक सीट ऊपर पड़ा हुआ है, अभी रिवर्स का ये दिया हुआ है डिस्प्ले, और ये सेंसर का डिस्प्ले दिया हुआ है, जो साइड में सेंसर लगे हैं, इसके फ्रंट में भी लगे हुए हैं 4, रियर में भी लगे हुए हैं। और यहाँ पे एक फ्यूज बॉक्स है, तो यहाँ पे स्पीड मीटर तो है ही नहीं, यहाँ पे आरपीएम मीटर है, एयर का है, और ये फ्यूल का है, और ये टेम्परेचर है, OGB ऑयल जो भी होता है आपको सबको पता है, जो भी इसको नहीं पता उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, ये OGB ऑयल वाला वीडियो मैं अलग बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ मोटर दिया हुआ है वाइपर के लिए, और यहाँ पे डिस्प्ले था बड़ा वाला लगाने के लिए, लेकिन यहाँ से निकाल के यहाँ छोटा लगा दिया है, छोटे में कुछ दिखता ही नहीं अच्छे से, इतना पता चल जाता है अभी, हाँ आदमी कोई पीछे है या नहीं है, बस ओनली। अब SLI सेफ रोड लेन इंडिकेटर है, तो जहाँ पे लगाया हुआ है। और अब ये मेन जो छोटे फंक्शन है, यहाँ तो बहुत कम है, और स्पॉट में कितने ज़्यादा है। ये वर्किंग लाइट बैक का वहाँ पे है, यही वर्किंग लाइट का स्विच है, ठीक है जी। और ये पार्किंग का स्विच यहाँ से दिया हुआ है, अभी ये इंडिकेटर का, चारों इंडिकेटर का यहाँ दिया हुआ है, वाइपर का है, पंखे का है, ये भी इंडिकेटर सिंगल राइट लेफ्ट का ला। और यहाँ पे मेन लाइट यहाँ पे दिया हुआ है इसका, ठीक है जी, ये बूम लाइट दिया हुआ है यहाँ पे, वर्किंग लाइट इसको बोलते हैं। ये वर्किंग लैंप पता कौन सा है, ये वाला वर्किंग लाइट, पीछे भी इसके दिया हुआ है 2 लाइट, और यहाँ वर्किंग लाइट आगे वाला, यहाँ बूम के ऊपर एक ही यहाँ इसको दिया हुआ है, और ये यहाँ से निकलेगा। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये मेन लाइट अपना हेडलाइट हो गया, ये अपना वर्किंग लाइट का फ्रंट वाला लगाया, और ये वर्किंग लाइट अपना बैक वाला है, ये पार्किंग लाइट है छोटा वाला जो चलता है, ये 4 इंडिकेटर हो गया अपने, ये लो एयर है यार इसका, एक मैं बताता हूँ क्या सिस्टम है, और ये हॉर्न है, और ये BPL कुछ काम का ही नहीं है, ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसको कुछ काम ही का ही नहीं है, और ये अपना स्टार्ट वाला सिस्टम है। तो अब आपको आगे दिखाता हूँ। हाँ जी यार, अभी फाइनली भाई यहाँ पे दिया हुआ है स्विच बंद करने के लिए, इंजन बंद करने के लिए स्टॉप लिखा है ना, देखो यहाँ पे। और इसके गियर है ओनली 4, फ्रंट के 3 है और रिवर्स का 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है रिवर्स का इधर को है, और फर्स्ट इधर को है, और सेकंड और थर्ड यहाँ पे, मतलब 4 टोटल गियर है इस गाड़ी के। और यहाँ पे हाई लो का दिया हुआ है, ठीक है, अभी गाड़ी हाई में खड़ी है मेरी, अभी स्विच के में नहीं दिया हुआ है, इसमें लीवर में दिया हुआ है। और आपको मैं कल वीडियो किया था एक ऑयल वाला, ठीक है, तो .3 ऑयल ये वाला, इसमें TVS का रखा हुआ है ये वाला, मैं उसमें बताना भूल गया, लेकिन .3 ये ऑयल रखा हुआ है इसके ब्रेक ऑयल में डालने के लिए, क्योंकि ये ब्रेक ऑयल का डब्बा भी यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे हैंड ब्रेक अपनी है, इस टाइम लगी हुई है, गाड़ी बंद है इसलिए, तो कचरा ये पड़ा हुआ है यार, क्या बोलूँ अभी, तो चलो कोई बात नहीं, टेंशन नहीं तो कर लेंगे साहब अभी। ये बाकी सब क्लच है, ये ब्रेक है, और ये रेस है। एक मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, रुको। अपना ये 3 लीवर है, ये डाउन बूम का, और ये आपका बूम बाहर का, और बूम अंदर का।
और ये हरिया और ऑफिस के लिए है, और दो ये लीवर छोटी है आउटर रिगर के लिए, ठीक है, ये डाउन है और ये अप है, ठीक है जी। इसमें फाइनली अभी खत्म नहीं है वीडियो, देखो अभी एक फैन इसमें कोपरा का लगाया हुआ है टेम्परली, ये देसी होता है। यहाँ है रूफ लाइट और इसका स्विच सब बंद है, सॉरी इधर है रूफ लाइट बंद है अभी, ऊपर लोहे का है और ये कांच है, ठीक है। तो बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं, गाड़ी ओके मस्त है। तो मैं आप देख सकते हो वहाँ लिखा हुआ है स्कॉट का गाड़ी है, और इसका हम आपको बेसिक बताएंगे जो भी रहेगा बाहर से और अंदर से। पहले यहाँ ये तो कैबिन है अपना हो गया, यहाँ से हाइड्रोलिक टैंक है, 160 लीटर का टैंक ये है, और पीछे कंट्रोल इसका थोड़ा चौड़ा रहता है, सबको पता ही होगा। तो इंजन सेम ही है लेकिन थोड़ा पीछे इसको थोड़ा बॉडी बाहर पीछे किया हुआ है, और स्कॉट है 15 के तरह नहीं है, थोड़ा लंबा किया हुआ है। बैटरी वर्क सेम है, सब कुछ सेम है, बाकी टायर पीछे दो है और आगे भी दो ही रहेगा इसका, और टायर में 110 भरना है आपको पता है सबको हवा। और यहाँ डीजल टैंक है, ये भी 160 लीटर का टैंक है शायद, आई थिंक मेरे को इतना ही लग रहा है ओके। तो आउटरिगर भी सेम उसकी तरह दिया हुआ है, स्कॉट है 15 की तरह देख सकते हो आप लोग, ठीक है जी। तो आओ अभी अंदर चलते हैं, आपको अंदर का कैबिन दिखाते हैं इसका क्या थी। तो हाँ जी यार, फाइनली अभी गाड़ी के अंदर आ गए हैं, फीलिंग कुछ अलग अलग सी है। F15 के यहाँ डैशबोर्ड यहाँ दिया हुआ है साइड में लेफ्ट साइड के, और इसके यहाँ फ्रंट में दे दिया है, और लीवर का सिस्टम यहाँ दिया हुआ है सिस्टम आप देख सकते हो, और यहाँ लोड चार्ट बताया हुआ है। सबसे पहले हम पीछे से स्टार्ट करेंगे, ये अपना है बंद करने के लिए सेम टू सेम वैसा सिस्टम F15 की तरह, उसके बाद हैंड ब्रेक अपना आ जाता है ऑन पे है। हाँ जी यार, फाइनली अभी गियर का मतलब ऐसा ना सीन, आगे को रिवर्स है, पीछे को फर्स्ट है, फिर सेकंड है और थर्ड है, और इधर 4 है और पीछे 5 है, समझ में आया जी। तो ठीक है जी, यही फाइनल अपना था। उसके बाद अपना आता है ये बूम डाउन का, बूम अप का, विंच मोटर का हो गया ये, और ये अपना बूम बाहर और अंदर का, ये दोनों आउटरिगर हो गया अपने, ठीक है जी। उसके बाद अपना ये रिवर्स कैमरा सेम टू सेम वैसा ही है, पंखा लगा हुआ है एक मस्त वाला, और सेम कैबिन तो ऐसे ही है, लेकिन बस डैशबोर्ड का बड़ा अंतर है, उसका इधर है और उसका इधर है, मतलब मैं थोड़ा सा वीडियो करता हूँ और करना चाहिए मेरे को। क्लच सेम वैसा ही है, यहाँ पैर रखने के लिए मस्त जगह यार बनाई है, थोड़ा मिस करता हूँ इसको हमेशा ही मैं। और एक ब्रेक है और एक्सीलेटर सबको पता ही है। तो अभी आ जाते हैं हम डैशबोर्ड के ऊपर। तो डैशबोर्ड का सिस्टम ऐसा है, 2 मीटर सेम दिया हुआ है F15 की तरह, स्पीडोमीटर सेम है, ठीक है, और एड़ा है AGB ऑयल जो होता है ना टेम्परेचर देखने के लिए, वो सेम है। बाकी सब ये एज में आता है, ऐसा जो ये वाला सिस्टम है एज में आता है, ठीक है। RPM हो गया, एयर वाला हो गया, फ्यूल हो गया, टेम्परेचर हो गया गाड़ी का, ठीक है जी। उसके बाद अपना ये इंडिकेटर वाला सिस्टम सेम दिया हुआ है इंडिकेटर के लिए, और ये हॉर्न इधर से भी होता है हॉर्न, और इसका दूसरा हॉर्न भी होगा ना इसमें, एक दूसरा हॉर्न यहाँ कट ऑफ दिया हुआ ना यहाँ पे, यहाँ दिया हुआ है। और इसमें एक अच्छी चीज़ ये लगी मेरे को चार्जिंग वाली, और चार्जिंग हम इसको लगा सकते हैं यहाँ पे, मस्त अलग चार्जिंग लग जाएगा गाड़ी में, ठीक है जी। किसी में गाड़ी में नहीं होता ये, अपना लाइट का रहेगा, लाइटों का होता है, लेकिन यहाँ पे हाई लो का दिया हुआ है अभी। और ये अपना वर्किंग लाइट आ गया, बूम का लाइट जो होता है वो है। उसके बाद ये अपना ये वाइपर है, वाइपर वाला हो गया, ये अपना इंडिकेटर हो गया चारों, ये अपना पार्किंग ऊपर को पार्किंग हो जाता है, जैसे स्कॉट में रहता है ना, देख सकते हो पार्किंग हो जाएगा इधर, और इधर अपना हेडलाइट हो जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद अपना SLI ऑन करना या ऑफ करना अपना इसमें सिस्टम रहता है, ऑफ भी कर सकते हैं ऑन भी कर सकते हैं। अपना ये फैन का दिया हुआ है यहाँ पे मस्त स्विच, उसके बाद यहाँ पे इग्निशन स्विच है आप देख सकते हो यहाँ से, और यहाँ पे फ्यूज बॉक्स दिया हुआ है सामने ही। अच्छी लगी वीडियो आपको, बताना मेरे को कैसा लगा सिस्टम इस गाड़ी का अंदर से। और रूफ लाइट भी दिया हुआ सेम F15 की तरह ही, ठीक है जी। और यहाँ पे कांच है, तो ठीक है, आप बताना मेरे को वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके जरूर बताना आपको गाड़ी गुड़ी कहाँ खाली है, कहाँ चाहिए आपको कोई भी, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, पीस आउट।